क्या बड़बड़ा रहा है? अबे अरे सुबह सुबह नींद खराब कर दी भाई, ये सपना था क्या? अबे टकले, तुझे जब देखो यही सपना आता रहता है। अबे पुलिस से अकेले तो पिटता ही है, साथ में हम लोगों को भी पिटवाता रहता है तू। मन तो यही कर रहा है किसके लड़ाई कर दो टकला कहीं का। अरे यार ये पंकज हमेशा मिस कॉल करता है। अरे सन, वो ऑलरेडी गुलीहाटी से निकलकर वहाँ पहुँचा होगा, जाकर उसे लेकर आ। ए सुबू। हाँ भाई। आज ये बारिश रुक रुक कर आ रही है, जा चार अंडा पीने का पानी लेकर आ। यो पंकज। हाँ भाई। तू हर अमावस्या और पूर्णिमा में अपने गांव चला जाता है, अब तू ऐसे गांव जाता रहेगा तो तेरी कमाई कहाँ से बचेगी? तेरे पाँव में चक्का लगा हुआ है क्या भाई? अगर मैं थोड़ा सा भी पैसा गाँव ना ले जाऊँ ना, तो बिजली कड़कने के साथ साथ तेज बारिश, तूफान, भूकंप और सुनामी आ जाएगी। देखो बेटा, तुम शहर जा रहे हो हमें पैसे भेजने के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं। जानता हूं। अरे आप जरा चुप रहेंगे क्या? वो आप जैसा पागल नहीं है। सही कहा ना बेटा? तुम मेरा बेटा आइए, कौन सा पैसा कहाँ कैसे किस तरह क्यों खर्च करना है ये सब कुछ बरोबर जानता है। जरा चुप रहेंगे आप? चल बेटा, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। आप फालतू घूमना फिरना छोड़ दीजिए। ए मेरा छोड़, तू शहर में मस्ती नहीं करना, आवारों से दोस्ती की ना तो चप्पल से मारूंगा, चप्पल से। चुप रहिए ना आप जरा। पापा आप हमेशा मेरे और माँ के खर्चे के बारे में बोलते रहते हो, आपने जो गंगा माँ के साथ मिलकर खर्चा किया उसका क्या? आप बोलिए ना, जवाब दीजिए। अरे रे 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 रे, माँ बेटा मिलकर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं है? क्यों, बच्चा पैदा करना इतना आसान है क्या? इतना बड़ा बच्चा पैदा किया है मैंने। सुबह सुबह अपने बेटे के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती क्या? तुम चुप रहो। बच्चा पैदा करने से नहीं कुछ होता है, उसे मार के ठीक भी करना होता है, समझी? क्यों माँ, पापा आज बहुत ज्यादा ही बोल रहे हैं। अच्छा बेटा, शहर में दो चार दिन घूम क्या लिया कि अपनी भाषा, संस्कृति, गांव के संस्कार सब कुछ भूलने लगा है बेटा? बस है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है पापा। सुन, अगर शहर में कमाने के सिवा लड़कियों के पीछे भागने की कोशिश की ना, क्या बोल रही है ये? तो शिव की कसम खा के कहता हूँ, टुकड़े टुकड़े करके वही आकर फेंकूंगा। क्या हुआ माँ? रुको 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 रुको, अरे अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे चुप रहो, अरे क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्या होगा, आप ही बोल रहे हैं। ठीक है चलो बेटा। देखो पापा, आप दोनों का बार बार का झगड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, हमेशा का नाटक है, अब बस कीजिए। अच्छा नाटक और फिल्म मैंने सब दिखाई है तुम्हारी माँ को। संभल के माँ। आराम से आराम से। देखिए पापा, आप चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना छोड़कर माँ पर जरा ज्यादा ध्यान दिया कीजिए। ए तेरा बाप हूँ मैं, वो मेरी सेवा करेगी, खाना बना के खिलाएगी। चल तू चल। अरे बेंगलुरु बस निकल रही है, मैं चलता हूँ। पापा माँ का ख्याल रखना, पहले ही बोल रहा हूँ। संभल के बेटा, चलता हूँ। तेरे बापू का जो ये ड्रीम है ना, वाकई बहुत बड़ा है भाई। नहीं तो क्या, हमारे घर में कुछ भी छोटा नहीं होता। कैसी हो पुर्णी? अरे हाँ मैं बोलना भूल गया था, तुम घर की तरफ जा रही हो ना तो अपने बंदे को बोलना दूध का पैसा लेकर जाए, एक हफ्ते से ज्यादा का हो जाएगा तो मेरे लिए भरना मुश्किल होगा। ठीक है। भाई ये लड़की कौन है? अरे वो है ना अपना मिस्त्री दत्ता, उसकी बेटी है। ओह, घर का सारा काम करती है, संगीत सिखाती है, डांस क्लास चलाती है, और इतना सब करने के बाद भी नंदिनी दूध का एजेंसी ले लिया है इसने। घर, दुकान, होटल सब जगह जाकर पहुंचाती है, बहुत सुशील बेटी है। मिस्त्री ने कोई पुण्य किया होगा। पंकज गोरिल्ला। पंकज अच्छा क्या यार, तू तो गांव जाके भूल ही गया हमको। बिल्कुल सही बोला, पहले तो ये कोहिनूर हीरे की तरह चमक रहा था, अब शक्ल देखो। ठीक है शिवा, जल्दी से दो कॉफी लेकर आ। हाँ भाई। क्या भाई, कहाँ ये सुबह कॉफी वॉफी, हमें तो सुबह सुबह पौवा चाहिए होता है। ए, क्या फुसफुस आ रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं इसे बोल रहा था कि मैंने अभी तक मुंह नहीं धोया। बकवास मत कर, कुत्ते और सुअर भी मुंह धोते हैं क्या? चलो उठा जल्दी पी। बैंगलोर तुम्हारे अकेले का है क्या? और ये वाटर टैंक तेरे बाप का समझ रखा है क्या? मेरे बाप पे मत जा, अपनी औकात में रह। तेरी औकात बताऊं क्या? मेरे भैया के सामने दूध पीने वाले कुत्ते के जैसा खामोश रहता है, और यहाँ पागल कुत्ते की तरह भौंक रहा है। मुझे कुत्ता उत्ता मत बोल, ठीक नहीं होगा, बोल दे रहा हूं। उंगली दिखाकर बात मत कर, वरना यही उंगली तेरे हाथ में रख दूंगी। शक्ल देखिए, बहुत ज्यादा हो रहा है। तेरी ऊंची आवाज से डरने वाली नहीं हूँ मैं, भैया को जाकर बताती हूँ, अभी रुक। बड़े भाई क्या, उसके बाप से बोल दे, मैं किसी डरता वरता नहीं हूँ, मेरा दिमाग हट गया ना तो। तेरे पास दिमाग है भी क्या? क्या रे सुबह सुबह सुबह। ए टकले चल निकल यहाँ से। ए पूर्णी, आज तेरी बात सुनी, दोबारा मेरे मुंह मत लगना, बोल दे रहा हूँ। क्या निकल यहाँ से, चल जा। आ जा रहा हूँ। हाँ तो जाना, अपने मुंह बंद कर। ए मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, बंदर का नाम चल रहा है क्या? चल निकल यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से।
कैसा लगा तुझे? सब कुछ चेंज हो गया यार। ए, क्या कर रहा है? अभी तक सोया हुआ है? अरे यार कम से कम 12 बजे तक तो सो जाने दिया करो यार तुम भी। अरे भाई कैसे हो? बढ़िया है? एकदम मजे में हूँ। पंकज। हाँ बोलना। गांव में कैसा चल रहा है? दूसरे की बीवी, तुम्हारे बच्चे। ऐसे घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहा है यार? जो बोलना डायरेक्ट बोलना। तेरी बीवी मेरा बच्चा। चल ये सब छोड़। क्या कहते हैं वो तेरे मम्मी पापा? अरे क्या कहेंगे यार, पैसा कमाओ पैसा कमाओ, बस यही कहकर हमेशा दिमाग खाते रहते। अरे बैंगलोर में पैसे कमाना कितना मुश्किल है, उनको क्या पता। मुश्किल हो या आसान, अब जब उनका बेटा हूँ तो उनके सपने पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है ना। हेलो, ऐसा सोच के जिंदगी भर कमाता रहेगा तो भी लाइफ में सेटल नहीं हो पाएगा। अबे तो तू क्या चाहता है मैं क्या करूं? क्या वो डील को फाइनल कर दूं? भाई कुछ भी हो जाए आदमी को मस्ती से जीना चाहिए, ऐसा ही है ये जमाना, वरना लोग जीने नहीं देते भाई। क्या बोलते हो? मतलब इलीगल हो तो भी चलेगा क्या? लीगल हो या अनलीगल हो, इस भूखे पेट को कहां पता चलेगा। इसे चाहिए सिर्फ दो टाइम का खाना, समझा? देख इस दुनिया में राजा की तरह जीना चाहता है ना तो चुपचाप लाइफ को चलने दे, नहीं तो 100-200 रुपए के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। इतनी मेहनत करके सिर्फ दो टाइम की रोटी मिलेगी, इसमें तू खाएगा क्या और घर क्या भेजेगा? चलो ठीक है तो बताओ अब क्या करूं? अरे वही रियल एस्टेट, लैंड डेवलप और साथ साथ अपने बालू भाई की वो डीलिंग सब पता है? पता क्यों नहीं रहेगा बे पंकज, ये डील करते ही हमारे पास लाखों रुपए अपने हाथ में आ जाएंगे भाई। हाँ यार अब तू अपने माँ बाप को ना राजा रानी की तरह रख सकता है भाई, है कि नहीं? सुनो पुर्णी, कितनी बार समझाया तुम्हें बाहर झगड़ा मत किया करो, जो दिखता है उसके साथ मुंह उठाकर झगड़ा करती है। ऐसी बात नहीं है पापा, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे झगड़ा करने का शौक चढ़ा है। आप ही बताओ, कोई कुछ भी कहेगा तो मैं सर झुका के वापस आ जाऊंगी। अरे अरे नहीं बेटा, तू गली में सर उठाकर झगड़ा करते रहना, तुझे बोलकर वैसे भी क्या फायदा, तुझे पहले से ही लड़की जैसा पाला होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, सब आपकी वजह से हुआ है। अरे पूर्णी, सर झुकाकर चुपचाप रहना ये औरतों के लक्षण है, समझ जा बेटी। आज के जमाने में सवालों का जवाब देने से ही घर की इज्जत बचती है, आप समझ लो ये आपका जमाना नहीं है, हमारा है। किसी का भी जमाना होने दो, मर्द औरत नहीं बन सकता और औरत मर्द नहीं बन सकती। हाँ वही तो, मैं आप जैसी नहीं बन सकती, अब मेरे जैसी नहीं बन सकती, अब समझ में आया? ए, बोलना कम करो तुम लोग। अरे 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 अरे, तू कौन से वक्त इस धरती पर आई, तुझे तो इस जमाने में पैदा ही नहीं होना चाहिए। दादी अब आप बस करो। क्यों भाई, कैसा है तुम्हारा बेटा? अरे उसका क्या, शहर में मस्ती कर रहा है वो। रुक, मुझे खेलने दे। अच्छा खेलो जरा। अच्छा हुआ याद दिला दिया, मैं जरा उसे फोन करता हूँ। एक नंबर। खेलो खेलो तुम। अरे मैं अकेला कैसे खेलूं? ए बाइक से स्टैंड क्यों कर रहा है यार, नीचे गिर गया तो क्या हाल होगा मेरा? मेरे पापा फोन कर रहे हैं, रुक जरा। घंटी बज रही है, बात करो। तू बात करना। हेलो अंकल, मैं मंकरी बोल रहा हूँ, पंकज का फ्रेंड। अब देखो बेटा, तो मंकरी हो पंकरी हो टंकरी हो, मुझे उसे क्या लेना देना है बताओ तुम ही। मुझे अपने बेटे से बात करनी है, चुपचाप उसे फोन दो। अबे गधे भैंसे, फोन दे मेरे बेटे को। अरे हम किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं अंकल, पंकज कार चला रहा है अंकल। अबे बेवकूफ, मुझे मोटर बाइक की आवाज सुनाई दे रही है और तू बोल रहा है कि पंकज कार चला रहा है, फोन दे चुपचाप। अंकल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अंकल? अबे तुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, चुपचाप उसे फोन दे, फोन दे। अंकल हम लोग एक बिजनेस के मीटिंग में जा रहे हैं, फ्री होने के बाद फोन करेंगे आपको। ए, बिजनेस की बात करेगा तो जूते से मारूंगा, फोन दे उसका। अबे तू भी ना यार, क्या करता है पापा से। बोलिए पापा। क्यों बेटा, शहर में पहुंचने के बाद तुझे अपने बाप की याद नहीं आई क्या, फोन नहीं कर सकता था? मैं पहुंच गया हूँ पापा, मेरे लिए आप ज्यादा परेशान मत होइए। देखो बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मुझे क्या चाहिए तू तो सब जानता ही है। पापा आप फोन रखिए, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या बोल रहा है ये, क्या ये कैसा फोन है, इतनी जल्दी इसके पैसे खत्म हो गए, इसलिए साली तो भरे थे मैंने इसमें। खैर जाने दो, आप अपना खेल शुरू करो। चलो हाँ, चलो चलो आ जा। नमस्कार भाई। नमस्कार नमस्कार। ए पांडे, ये नया चेहरा कौन है? ये पंकज है भाई, वही पद्मावती लैंड लिटिगेशन केस में आया था ना, गुलीहाटी वाला। नाम के जैसे इस आदमी में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। गुस्सा मत हो, मजाक कर रहा था मैं। वो छोड़िए, मैटर क्या है वो बताइए। अरे बहुत ही मामूली छोटा सा काम है। बड़ा बड़ा काम का मतलब हम लोगों के लिए 24/7 की जैसा। हम तो हमेशा रेडी होते हैं। ऐसा क्या? वो सब छोड़ो भाई, अभी हम लोगों को कौन सा काम करना है। अरे
एक छोटा सा सीसी केस है। केस को आए हुए 3 दिन से ज्यादा हो गए। मतलब हम सबको इस केस में फंसना है क्या? अरे कैसा डरपोक आदमी है ये, लगता है बहुत बड़ा बेवकूफ है। पंकज जरा चुप रहो यार। भाई उस पे ध्यान मत दो, आप बोलिए। देखो तुम लोग अंदर जाओगे लेकिन 1 घंटे के अंदर बाहर आ जाओगे। कैसे आओगे इसकी चिंता मत करो। भाई है ना टेंशन ना। ये लो लक्ष्मी। ये तो सिर्फ एडवांस है। मेरा काम करोगे तो लक्ष्मी आती रहेगी तुम लोगों के पास। मैं जब तक हूँ कोई टेंशन नहीं लेने का, फुल एंजॉयमेंट करने का। चल 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 करते। हे पंकज, पैसे आते ही सपने में खो गया। पूर्णी, दूध लेना। अरे ले और चल। ये लो। मिस्टर सुभाष, सिलिकॉन सिटी में जैसे ही लैंड्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है। इस पब्लिक को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन इस मीडिया को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी सर, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। सिलिकॉन सिटी को क्राइम सिटी बनाने में थोड़ा मीडिया का हाथ है, थोड़ा फिल्मों का हाथ है, जो वहाँ के यंगस्टर्स को मोटिवेट करते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बहुत सारे गुंडे हैं सर, जिनको ये मीडिया अच्छा आदमी बोलकर सपोर्ट करती है। मिस्टर गोपाल सर, इस केस के लिए क्यू ब्रांच के सबसे स्पेशल ऑफिसर जो इन गुंडों को सबक सिखा सके, उन्हें रिक्वेस्ट करके फौरन बुलाइए। ओके सर। I am Pratap from Q branch. Welcome Mr. Pratap. I know about you. ये रहा मेरा posting order. Please. Oh, good luck. Thank you sir. Mr. Pratap. Yes sir. Bangalore city में चलने वाली सारी criminal activities और तमाम गुंडों की details Mr. Subhash आपको दे देंगे। Okay sir. और इतना ही नहीं, Mr. Subhash इस केस में आपको assist भी करेंगे। Thank you sir. भाई सत्या भाई, आपका ही नमक खाकर आपको धोखा दिया है। क्या करूं भाई, मजबूर था, बीवी बच्चों को पालना है, इसलिए ऐसा काम कर दिया भाई। आइंदा ऐसा गलती नहीं होगी भाई, मुझे माफ कर दो भाई। भाई भाई आपके हाथ जोड़ता भाई, मुझे माफ कर दो भाई। भाई मुझे माफ कर दो। ए कुमार भाई, रहने दे, छोड़ ना कुमार। ए बालू, ये जब भी मांगता था हम इसे पैसे देते थे ना। हाँ भाई, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? कुमार भाई, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, अगर तुमने मुझसे मांगे होते तो मैं तुम्हें नहीं देता क्या? भाई चल रहने दे, छोड़ ना कुमार। अगर कोई बीवी बच्चों के लिए कुछ करता है तो वो गलत नहीं होता है। जाओ, आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना। भाई मैं आपको गलत समझा भाई, मैं आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा भाई, बिल्कुल नहीं करूंगा भाई। इतने सालों तक तुमने मेरे लिए इस क्राइम फील्ड में काम किया, कितनी बार तू मेरे दुश्मनों से लड़ने के लिए फ्रंट पे जाके खड़ा हुआ, इसलिए तेरे लिए जो भी करूँ वो कम है। देख आगे से तू अपनी नियत साफ रखा कर। हाँ भाई। कुमार सुबह सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई थी, उसका प्रसाद लेता जा। हाँ भैया। जाओ। ठीक है भाई। एक मिनट कुमार। भाई मुझे पीठ पीछे वार करने की आदत नहीं है कुमार, पश्चाताप से बड़ी सजा और कुछ नहीं होती। तुम जैसों को इस फील्ड में
नमक हराम कहते हैं। अब क्या करूं, मुझे भी अपने बीवी बच्चों को पालना है। ए इंस्पेक्टर, इस केस को खलास करके कोई रिपोर्ट बना दे जल्दी। ठीक है सर। जय जनार्दन कृष्ण राधिका पते। जय जन पर तुम्हीं से नहीं। जय जनार्दन, जय जनार्दन। तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। आज मैं नहीं छोड़ूंगी। हे पूर्णी, इस वक्त तू कहाँ जा रही है? सुनाई नहीं दे रहा है आपको? हाँ? इस उम्र में कहाँ से सुनाई देगा? वो नालायक लोग कब से मुझे डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। अभी जाकर उन लोगों की अच्छे से धुलाई करते हैं। अरे दूसरे के मामले में तुझे क्या, वो लोग इस वक्त पीने के लिए बैठे होंगे। बच्चों को संगीत सिखाना छोड़कर उन लोगों की धुलाई कर दे जा रही है तू? आप थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती? अरे लक्ष्मी जरा देख, तेरी बेटी लड़कों के साथ लड़ाई करने जा रही है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? हाँ। चलो अंदर जाओ। आप ऐसे चुप बैठती हैं इसलिए बोल रहे हैं। वो लोग उड़े चाहे कुछ भी करें, तुम अपना काम करो। चलो हाँ। जाओ अंदर। उनके बारे में सोचकर क्यों परेशान हो? अनाथ लोग हैं वो, सुबह शाम घूमते रहते हैं और रात को नशे में चिल्लाते रहते हैं। अगर ऐसा है तो अपने पड़ोसियों को तकलीफ देना सही है क्या? तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? खिड़की दरवाजा बंद करके संगीत सिखाओ, जाओ। पापा अब बातें करना बंद करो, बच्चों को घर भेजो और खाना खाने के लिए आओ। इस घर में सब ऐसे ही हैं, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। ये ले लो। एक हाथ का कितना? ये 20 रुपए का है और वो 30 रुपए का। इसका 30? इसका नहीं उसका, ये तो 20 रुपए का। नहीं नहीं, सही दाम बताओ, ठगने की जरूरत नहीं है। ए, मुझे लड़की समझ के ठग रहे हो क्या? अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कि आपको ठग के हम अपना पेट पालते हैं क्या? 5 हाथ का नाप कर मुझे 3 हाथ का दे रहे हो, ये ठगना नहीं तो और क्या है बताओ? वो सब कुछ नहीं, लेना ठीक है ठीक है दे दो। तुम्हारे जैसे ग्राहक सुबह सुबह मिल जाए तो पूरे दिन का बंटा धार। ये लो। ज्यादा बोल मत। अरे जाओ, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। बेवकूफ कहीं का, दिखाई नहीं देता है क्या? मेरा पाँव टूट जाता तो। ए, आजकल तुम लोग कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हो, तो वहीं रुक, अभी ऊपर आते हो तुम सबके पर काटती हूँ। भाई हाँ? भाई हाँ? वो पूर्णी ऊपर आ रही है। अरे पूर्णी को छोड़, फुलन देवी को आने दे। तू क्यों डर रहा है? मैं हूँ ना तेरे लिए यहाँ। क्या? क्या पूर्णी आ रही है? अरे अरे बाप रे बाप, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ? तूने पूर्णी के साथ क्या किया बता? अरे यार कितनी बार बोला उसे पंगा मत ले मत ले मत ले, मगर सुनता नहीं है। क्या किया तूने? मैं ब्रश करते हुए उसे देख रहा था तो वो। अबे क्या है, जल्दी बोल ना। हाँ बता। गमला हा? गमला। अरे गमला है या बिमला है, तो जल्दी से बताता क्यों नहीं? बता बता। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया यार, मेरा हाथ उससे टकरा गया और उसके पैर पे जाके गिर गया। अरे बाप रे बाप, उसके पैर में टूट गया क्या? नहीं पता यार। नहीं पता तुझे? आज तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से। अरे बाप रे, आगे पेच हो ना यार। तुम लोग गंदे हो, दिखाई नहीं देता। वैसे तो जब भी मैं गुजरती हूँ मुझे घूरते रहते हो, लेकिन आज मैं नहीं दिखी। गली से गुजरने वाली हर लड़की को, हर आंटी को आंखें मारते हो, रात को पीकर पार्टी भी करते हो तुम लोगों की तो। ए, अगली बार इस तरह की कोई भी हरकत की ना तो एक एक को काट दूंगी, समझे? नहीं नहीं मैं नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या? आजा मेरे राजा, आजा आजा। अपनी बाहों में धर ले, देख देख छोड़ मुझे, छोड़ एक टकलू, छोड़ छोड़ ना। नहीं पड़ रहा मुझसे, सपने देख रहा था तो इस टकलू के साथ क्यों देख रहा था? एक ही मुलाकात में पूर्णी के सपनों में चला गया। अरे मेरी पूर्णी कहाँ गई यार? ओए उसे गए हुए 10 मिनट हो गए। सब इसी की वजह से हुआ, इसी की वजह से हम सब टकले को। गुरुजी प्रणाम, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आयुष्मान भव।
क्यों सेठ जी? अरे राम राम। जब कोई काम होता तभी हमारी याद आती है आपको? अरे ऐसा नहीं है भाई, आपसे बात करने के पहले पैसा भी तो जमा करता था ना। आप जैसे आदमियों पर हमारा भरोसा डबल नहीं ट्रिपल है। कहिए क्या बात हो गई, क्यों आए हैं? भाई आपसे कुछ सीक्रेट बात करनी थी। ए, हमारे सारे आदमी भरोसे के हैं, जो बोलना है यहीं पर बोल। वो क्या है ना भाई, हाँ, बोल। गांव के बाहर मेरी 100x100 की जगह है और उसी के बाजू में दूसरे की 100x100 की जगह खाली पड़ी है, वो भी रोड के बाजू में। अगर वो जगह हमें मिल जाए तो हम लोग पूरा अपार्टमेंट बांध सकते हैं। अगर वो जगह आप मुझे दिलवा दें तो हम 100 फ्लैट आराम से बना सकते हैं। ये कौन सी जगह की बात कर रहा है? अरे भाई वो दत्ता है, रिटायर्ड स्कूल का हेडमास्टर है, थोड़ा नकरे वाला है। अरे वो अपना तोमा है ना, उसी के एरिया में रहता है वो। सेठ समझ लो हो गया काम तुम्हारा, नेक्स्ट मंथ रजिस्ट्री करवा लेना। और हाँ, भूमि का पूजन हमारे पुजारी जी करेंगे। ये पकड़ो, रख लो इसे। अच्छा मैं चलता। नमस्ते। क्या ये? तेरे साथ आने से अच्छा उस पांडे के साथ ही आया होता तो जो भी लड़की थूक के जाती ना तो मुंह धोने के बहाने उसके घर तो जाता। तेरे साथ आने का कोई फायदा नहीं। अभी अचानक यहाँ पे तेरे सामने पूर्णी आ जाती तो तू क्या करता? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ यार, अगर वो आई ना तो उसे ऐसे कस के पकड़ूंगा और पूरी तरह सपनों में खो जाऊंगा। उसके बाद चाहे जो होगा सब देखा जाएगा। तू तो बहुत हिम्मती है यार। हिम्मत नहीं, लव है यार, लव। ए? तुझे छोड़ दिया तो तू गाना गाने लगेगा, वहाँ सब इंतजार कर रहे। चल अभी चल। तो सपना भी नहीं देखने देता। अरे सपने में क्या रखा है, हकीकत में जी के देख यार। तू भी ना कभी। अरे चल निकल 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 यहाँ से। आज मेरे हाथों से कैसे बचते हो मैं भी देखती हूँ। यार सारे शहर की लड़कियाँ हमें देख के डरती है और हम लोग इसे देख के डर रहे हैं, ये क्या बात हुई यार? अपनी रेपुटेशन का सवाल है यार ये तो। गाड़ी यहीं रोको, गाड़ी से उतरो। कौन से गांव से आए हो? हाँ ए गोरिल्ला, ये तो तुझसे पूछ रही है। ए तुमसे पूछ रही हूँ। गुल्ली हाटी। दिमाग तो ठीक है ना? हाँ मुझे क्या हुआ है, जानती हो अब तो मैं 6 पैक बनाने वाला हूँ। अच्छा तुम्हारे पैक्स तो मैं बनाती हूँ, जब देखो तब मुझे घूरते रहते हो, चिढ़ाते रहते हो, छेड़ते रहते हो, घर के नीचे खड़े होकर दांत दिखाते रहते हो। क्यों बे, मुझे क्या समझ रखा है तुमने? हाँ मैंने आपको कब देखा मैडम? मैं तो आसमान में देखता रहता हूँ, चाहो तो गोरिल्ला से पूछ सकती हो। सॉरी पंकज, इसमें हम लोगों को मत फंसा, हम तो बजरंगबली के भक्त है ना। ए मुझे किसी गोरिल्ला या चिंपैंज़ी की गवाही नहीं चाहिए। पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मुझे देखने का, मुझे लाइन मारने का लाइसेंस है क्या तुम्हारे पास? अरे मैडम लेकिन मैंने आपको कब देखा, उल्टा आप ही मुझे देख रही हैं। हाँ। क्या हमें देखने की भी आजादी नहीं है? हाँ। ए, एक दूंगी ना तो बंदर जैसा चेहरा बन जाएगा, फिर तुम्हारी इस शक्ल को कोई देखेगा भी नहीं। वैसे कभी अपना चेहरा तुमने आईने में देखा है क्या? मुझे क्या हुआ है, थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लूंगा तो आप जैसा दिखूंगा, क्या बोलता है? ए मुझे टॉन्ट मार रहा है क्या? यही मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर आज के बाद मुझे घूरा, मुझे चिढ़ाया, मुझे छेड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किया तो? किया तो तेरी चमड़ी उधेड़ के तेरे घर के दरवाजे पे टका दूंगी। आपको चमड़ी निकालना आता है? लेकिन पांडे ने तो ऐसा कहा था कि आप ब्राह्मण हैं। अबे तेरी तो। अभी हेलो। हेलो कैसे हो मास्टर जी? मैं ठीक हूँ, कौन बोल रहे हैं? आगे भी ठीक से रहना चाहते हो तो वो जमीन को जल्द से जल्द खाली कर दो। कैसी बात कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब है? कौन है आप? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, तू जिंदा रहे ये ज्यादा जरूरी है, एक बार फिर से सोच ले मास्टर। क्यों भाई मुझे धमकी दे रहे हो? ए मास्टर तू जो चाहे वो समझ ले, अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो तुझे तेरे ही घर के सामने फुटपाथ पर भिखारियों की तरह जीना पड़ेगा। ऐसी गुंडागिरी और दादागिरी मेरे दादा के जमाने में ही खत्म हो गई थी, अब पुलिस का जमाना है, सभी स्ट्रांग हो गए हैं, ये धमकी मुझ पर नहीं चलेगी। अगर आप कुछ ज्यादा बोला ना तो पुलिस में कंप्लेंट करवा के अंदर करवा दूंगा, सावधान रहो। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि उस जमीन पर कैसे कब्जा करना है, जा मास्टर जो कर सकता है वो कर ले। हाँ
तेल दी कि मैंने फिर सब कुछ ले लिया। यही पर है। यही है ना? हाँ हाँ। सच में? हाँ ना। हाँ ठीक है। कितना हुआ? 25 रुपए। ये लो। हाँ, बढ़िया। अरे मेरे पैसे? आजकल तो लेक्चरर्स का दिमाग ही दिखाने पर नहीं है। मेरे 100 रुपए लेकर भाग गया वो। चलो कोई बात नहीं, ये पता कहाँ है जरा बताओगी बेटी? बता दो। एक नंबर रोड, दूसरी नंबर गली, यहाँ से। अच्छा। अरे पापा, किसने बोला मेरे बेटे की आवाज़? ऊपर हूँ मैं, ऊपर हूँ। ओहो, यहाँ ऊपर हूँ मैं। अरे वाह, ऊपर क्या कर रहा है? हैं, ये मेरा बेटा। ये लीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चल मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, रुकिए वहीं पे। ये तो जो चौराहे पे मंदिर है उसके पुजारी के जैसा है। अरे यार, ये बहुत खड़ूस आदमी है। अरे जब तक ये ऊपर आएंगे ना, चल के रूम साफ कर देते हैं। चल चल चल। क्या पापा, अगर पहले ही बता देते कि आप आ रहे हैं तो मैं आपको लेने के लिए बस स्टैंड आ जाता ना। देखो, आने के पहले स्वागत करवाना ये सब हम लोग का काम नहीं है, ये तो राजाओं का काम है। मेरे पिताजी हैं ये। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते। सब ठीक है? ये दोस्त हैं तुम्हारे? हाँ पापा। सुनो। क्या पापा? इसमें से वो कौन है जो फोन पर बात कर रहा था? मंकरिया पंकरिया कौन है जरा दिखाओ। अरे अंकल, वो गांव गांव चला गया है। ऐसा है क्या? मेरे पिताजी तो भगवान के समान है। ऐसा ये मेरा मतलब है, पंकज कहता रहता है अंकल। अंकल आपकी बहुत इज्जत करता है आपका बेटा, बहुत इज्जत। इज्जत तो ठीक है, लेकिन अभी खिला क्या रहे हो तुम लोग? वो कुछ खाना वाना बनाया है क्या? जी बस अभी बनाने जा रहा हूँ। अभी तक नहीं बनाया? सामान ही नहीं है तो खाना कैसे बनाएंगे? क्यों, तुम लोग बाहर होटल वोटल में खाते हो क्या? पानी दूं आपको? नहीं नहीं नहीं, नमक उमक रखे हो क्या? नमक चाहिए? हाँ जाओ लेकर। अबे पुजारी यही है क्या? कैसा है रे तेरा बाप? ये लो पकड़ो, इसमें छेद करके दिया बनाकर जला देना। अब ये दारू और नमक अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी की तरह है। ओ पगले, वो थैली है ना, उसमें तेरी माँ ने रोटी और सब्जी भेजी हुई है। उठा ला, इधर ला। हाँ बाबा। हाँ ये है खाना, सब लोग पेट भर के खाओ। हैं, खाओ खाओ खाओ, बढ़िया, पेट भर के, बहुत बढ़िया। ए कैसे खा रहा है यार ये? और ऐसे क्यों देख रहे हो? खाओ, तुम लोग भी खाओ। ना ना, हमें सब खाने की आदत नहीं है। आदत नहीं है? नहीं नहीं, वो नहीं, 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 नहीं। अरे तुम लोग इंसान हो या कुछ और हो, ये सब खाना चाहिए, अच्छी चीज है। खाओ खाओ, को होटल का खाना तुम लोग खाते हो ना, इसीलिए घर का खाना तुम लोग को पसंद नहीं आता। घर का खाना चाहिए हमेशा, है समझे? दम शुद्ध होता है खेत का। ऐसे रोटी को तोड़ कर इसमें सब्जी डाली, थोड़ा मसाला डाला, नींबू और ये। हाँ, ऐसे ये मिलाकर सब लोग खाओ। घर का खाना खाकर कितने दिन बीत गए पापा, इसीलिए तो लेकर आया हो बेटा। खा लो खा लो खा लो, घर का खाना खा लो, खिलाओ खिलाओ सबको, खिलाओ खाना इसे बेटा। कैसा लगा? वाह। अरे मुंह क्यों देख रहे हो अंकल? इसे इसे भी खाना है? अरे हाँ, मिर्ची के साथ खाओ। खाओ, अच्छा खाओ ना। अरे खाओ ना, खा ना, तुम भी खाओ अंकल। खाना कैसा लगा बेटा? बहुत बढ़िया। माँ के हाथ का खाना खाकर कितने दिन बीत गए ना पापा। तुम्हारी माँ ने कितने प्यार से बनाकर भेजा है। क्या बात है बेटा, तुम लोग रोने क्यों लगे हैं? मुझे
अपने माँ की याद आ गई। मुझे भी मेरी माँ की याद आने लगी। अंकल एक स्मॉल रिक्वेस्ट है। क्या है बेटा? मुझे भी मेरी माँ की याद आ रही है। अरे अरे खुल कर रोने का मन कर रहा है। 10 मिनट रोने के लिए वहाँ कोने में जाकर रोवाऊं क्या? रोने के लिए परमिशन मांग रहा है तू? अरे खाना खाता रहा, मिर्ची काटता रहा, यहीं बैठ के रोता रहा, किसने मना किया? खा खा रो भी, तुम भी खा खाओ ना, पक्का खा खा खाओ खाओ। अंकल बेटा तुम भी खाओ, ये लो। इन लोगों को इनकी माँ की याद आ रही है। ये लोग अपनी माँ से बहुत दूर है ना। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, प्रभु के गुण गाओ। बेटा भैया हो गया, एकदम पेट भर गया। बेटा पापा अब मैं चलता हूँ। अरे पापा इतनी जल्दी भी क्या है, 2 दिन रुक जाना। अच्छा अब क्या हो गया? माँ की याद। शांत हो जाओ ना बेटा, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, शाम तक मुझे गांव पहुँचना है, तू संभल कर रहना, चिंता मत करना। अगली बार आऊंगा तो और बड़ी वाली मिर्ची लेकर आऊंगा तुम लोग के लिए, ठीक है? किसी को भेजते हैं तो रो करके नहीं, हंस के भेजते हैं। अच्छा बेटा चलो, चल चलता हूँ बेटा। क्या है ये? खाने के लिए ही है ना, मुझे मारने का इंतजार कर रहा था। खाना नहीं है ये, बिरयानी, दम बिरयानी, चाप सब मंगवाया है, पेट भर के खाओ, पूरा खत्म करना है, समझ गए? अगली बार इस तरफ नहीं आऊंगा भाई, इस बार छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे भाई। मेरे एरिया में घुसकर मेरे ही कस्टमर से हफ्ता वसूल करने के अलावा मेरे ताकत के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे? हाँ भाई, अगली बार मैं बेंगलुरु में इंटरव्यू नहीं करूंगा भाई, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ए सुनो बार वालों, इस जगह को अपना ससुराल समझ रखा है क्या? ये मत सोचो कि कोई पूछने वाला नहीं है, कान खोल कर सुन लो सब। अगर अगली बार से मेरे बिजनेस में सर घुसाया, मेरे एरिया के गरीबों से अगर पैसे वसूल किए, तो तुम लोगों के साथ क्या करूंगा पता है? जान ले लोगे क्या भाई? नहीं रे, हैदराबाद बिरयानी, कुंटूर का चिकन, आम्बुल बिरयानी दूसरों को खिलाऊंगा। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई। चलो जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ, जाओ, जाओ। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। कैसे भाई? भाई माल। शाबाश। ए ए दे ना दे। तुम लोगों के बीच की ये दोस्ती कदर, इतने सालों से मैं इस जगह पर हूँ, आज तक कभी ऐसी नहीं देखी। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। हे पंकज, इस तरह बेकार घूमना फिरना बंद कर और कोई अच्छा सा काम ढूंढ ले। मतलब? मतलब गली के कुत्तों की तरह घूमना बंद करके अपना पेट भरने के लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। अरे हम क्या बेकार दिखते हैं तुम्हें? अरे मारूंगा एक घुमाकर, ऐसे सर घूम जाएगा अगर एक दूंगा तो। क्या यार? ए पंकज, कितनी बार बोला तुम लोगों को कुछ काम कर लो, काम कर लो, तुम्हारी समझ में नहीं आता? उनको बोल। अब देख लो, ऐसे लोगों से बिना मांगे तुमको सलाह लेनी पड़ रही है। मैं मुंह बंद करना सीख ले। अरे छोड़ ना यार। बताओ यार, कपड़े खराब करते हम, कोई बात है क्या? ये मौसम की होगी? हाँ यार। पंकज लक्ष्मी, तुमने सबको बोल दिया ना, और किसी को बताना बचा तो नहीं है? हाँ, वो सामने जो लड़के रहते हैं उन्हें भी तो बुलाना है, अच्छा रहेगा ना, हमारे रोड के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स के जैसे हैं, है ना पुर्णी? वो लोग, वो हमारे रोड के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स हैं? माँ तुम उन्हें ठीक से जानती नहीं हो,
वो लोग कितने बड़े चोर हैं आपको पता नहीं। पूजा में उन लोगों का क्या काम? हाँ सभी अगल बगल वालों को बुलाया है तो उन्हें क्यों छोड़ दिया जाए? पूजा करवा रहा हूँ भाई, उनको बताना फर्ज है अपना। बुर्णी, जब भी उन लोगों को देखती हूँ तो अनाथ लगते हैं मुझे। उन्हें प्रसाद तो खाकर जाने दे। दादी आप तो हमेशा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर उन्हें बुला लूंगा। कोई जरूरत नहीं है, सुबह मैं चिंटू के साथ जाकर बोल दूंगी। तुम वहाँ जाकर उन लोगों से झगड़ा मत करती रहना, समझ गई ना? हाँ ठीक है। पुनी यहाँ आ रही है। पुनी वो यहाँ रही है, आ गई वो तो। पुनी सॉरी, आप चिंता मत कीजिएगा, पंकज को सबक हम लोग सिखा देंगे। हाँ उसे जो सबक सिखाना था वो मैंने सिखा दिया है। डरो मत, कल मेरे घर में सत्यनारायण पूजा है। मेरे घर वालों ने तुम लोगों को बुलाने के लिए कहा है, इसलिए आई हूँ। उसके बाद ही तो तुम लोगों का जन्म सार्थक होगा। मुझे पता था कि किस बात के लिए तुम हमारे घर पे आई हो। वो तुम मुझे पूजा के लिए बुलाने के लिए आई हो ना? मैडम हम लोग भगवान की ना बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मानते हैं उन्हें। बहुत हो गई तुम लोगों की भगवान भक्ति। कल एक दिन के लिए नीट एंड क्लीन घर पे आ जाना। चल अबे पांडे, ए मंकरी, एक बात बोल देता हूँ, ब्लेड और बेड शेयर कर सकते हो लेकिन चड्डी, चड्डी भी कोई शेयर करने वाली चीज है क्या? एक दिन शेयर करो, दो दिन शेयर करो ठीक है, लेकिन पूरा एक महीना शेयर करना एक के बाद एक अलग अलग लोगों के पास चली जाती है। अब किसकी है ये फटी पुरानी चड्डी? ए पांडे ये तेरी है ना ये चड्डी? अरे जिंदगी में मैंने कभी चड्डी पहनी है क्या? तुम लोगों का मान सम्मान होता तो इस तरह जीते ही क्यों? पूर्णी जी कैसी हो? अंकल ठीक है ना? चिंटू मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये पूर्णी मैडम ना हमें अपने घर पूजा के लिए बुलाने आई हैं। पूजा के लिए? हाँ तो पहले क्यों नहीं बताया? देखता नहीं पूर्णी जी मुझे पर्सनली पूजा का आमंत्रण देने आई हैं। कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। हम सब बोलने ही वाले थे, आप आ रही हो ये पहले ही पता होता तो। अगर तुम्हें पहले ही पता होता कि मैं आने वाली हूँ तो मुझे तुम लोगों की हरकतों का पता कैसे चलता? पूर्णी जी वो मैं आपको जानबूझकर नहीं देखता था, वो हमारे गुलीहाटी में जया दीदी की बेटी है ना लक्ष्मी। मैं आपको वो समझकर देखता था। सही कह रहा हूँ ना पांडे? मुझे क्या पता? तुम्हारी ये बकवास कहानी सुनने नहीं आई हूँ मैं, बहुत सारे काम करने हैं। कल नहा धोकर डिसेंट कपड़े पहनकर भगवान का आशीर्वाद लेने आ जाना, तब जाके तुम लोगों का जन्म सार्थक होगा। बाहर कितनी गर्मी है यार, जिस दुकान में जाओ वही भीड़ लगी पड़ी है, छोटी हो या बड़ी सारी दुकानें बिजी है यार। फिर भी पंकज तेरे लिए मैं बियर लेके ही आया। अरे यार पूजा के लिए कपूर अगरबत्ती फूल सब लाया है ना? ये कौन सा नया कोड वर्ड बोल रहे थे? ए पांडे एक बात बता, तूने बाजू वाले दुकान से 2000 का सामान उधार पे लिया है क्या? अब वो मुझसे दोगुना पैसा मांग रहा है। लेना ही था तो कम से कम 10,000 रुपए उधार लिया होता, कम से कम एक महीने का खर्चा तो निकल जाता ना यार। ए, अब ऐसे पागलों की तरह खड़े ही रहोगे या महफिल भी जमाओगे? मैंने तो अपने लिए स्पेशल 2 बोतल लिया है भाई। अभी मालूम चला इसे। मैं तो मजाक कर रहा था, लेने की सोच रहा था, लेकिन हम लोग तो वो सब करते ही नहीं है, इसलिए तुम लोगों के लिए मैंगो जूस की बोतल लाया हूँ। अरे पूर्णी जी आपका भाई। पूर्णी जी आहा, मेरी प्रेमिका तो साड़ी पहनकर कितनी अच्छी रंगोली बना रही है, साक्षात महालक्ष्मी लग रही है। बेचारे मेरे दोस्त मुझे मेरा प्यार मिल जाए इसलिए मेरा कितना साथ देते हैं। आज उन सबको जल्दी उठाकर मेरी प्रेमिका के घर पूजा में ले जाऊंगा और उन्हें अच्छे से खाना खिलाऊंगा, कितने खुश हो जाएंगे बेचारे। ए, ऐसे खड़ा क्यों है? तू जल्दी से जाके तैयार हो जा और पूजा के लिए चल। हे आखिर पूजा में इसका क्या काम है? यही रूम में पड़ा रहेगा ये। ए, पंकज, हम यूं गए और यूं आए। भगवान की कथा में पूर्णी तुझे मिल जाए ऐसी मैं मन्नत मांगूंगा। ये बात है। God is great. Follow me. अबे ये दादी है। हाँ, अरे पूजा के लिए बुलाया तो तुम लोग तो शादी के दूल्हे बनकर आ गए। दादी पूर्णी जी ने कहा था कि शरीफों की तरह आना, इसलिए हम लोग ऐसे आए हैं। सब लोग चश्मा निकाल कर अंदर जाओ। आगे जाना पद्मार्कम गजानन महनिशम अनेक अदंतम भक्तानां एक अदंतम उपासमहे पूर्ववत संस्तुतित्वक्ष द्वार श्री परमेश्वर कृत तत्र मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्येत्रम्बिके देवी नारायणी नमोस्तुते श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। कुंकुम
चूर्णं समर्पयामि अनुष्ठानं पायसं शर्करान्वितं नानाविधं च नैवेद्यं हे स्वामी प्रतगुह्यतां विश्वपूर्वसोम तत्त्वितरेण्यं भ्रुवदेव सधीमहे धियो येन प्रचोदयात् ॐ आपौ ज्योतिर्संतमनोस्वरं सत्यं तत्त्वेन परिशान्तयामि मङ्गलं सर्वदेवाय लक्ष्मी लक्ष्मीश वक्षसे तवेयं मनस्वन्ते राजाय देवसु राजा भवति श्री सत्यनारायण स्वामी ने नमः कर्पूर उत्तर निराजनं दर्शयामि मम ये लो प्रसाद ले लो बेटा ये लो खाना खाकर जाना ऐसे ही मत चले जाना ठीक है अरे अंकल हम ऐसा क्यों करेंगे हम लोग इसी काम के लिए आए क्या कहा खाना खाके ही जाएंगे अंकल हाँ हाँ अंदर जाओ क्यों रे सुबो लड़कियों के बीच में बैठकर शैतानी कर रहा है ज्यादा नाटक मत कर चुपचाप से खाना खा दादी मैंने इनको मना किया इन दोनों ने जबरदस्ती मुझको ये पकड़ के बिठाया मैं देख रही हूँ तू ही उन पर गिर रहा है चुपचाप खाना खा मेरे हाथ में डंडा देख रहा है ना खाना बहुत अच्छा है हाय नीचे देखकर खाना नहीं खा सकता क्या नमस्ते नमस्ते भाई आरपी राइस कूलर जस्ट मिस हो गया होता तो वो ले जाता ऐसा क्या 200 साल ओल्ड इज गोल्ड भाई दिखाओ मुझे वाह देख लिया हमारे लड़कों को भाई भाई दिखाओ 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 मुझे दो ला मुझे दो ये लो रख लो मैंने आपसे वादा किया था ना कितने प्यारे हो तुम लोग जैसा नाम है वैसा काम किया है तुमने वेरी गुड शाबाश मेरे एरिया की झूठी बिरयानी खाकर मुझको धमकी दे रहा है और तो और मेरे एरिया में घुसकर हफ्ता वसूली कर रहा है सत्या मुझे फोन करके मुझे धमकी दे रहा है हिम्मत देखिए उसकी हाँ वो सब सत्या के लिए लड़ने के लिए तैयार है भाई हाँ भाई उन लोगों को ऐसे छोड़ दिया ना तो आप जैसे डॉन को मिट्टी में मिला देंगे भाई तेरी तो मेरा नमक खा के मुझको मिट्टी में मिलवाएगा उनकी पावर बढ़े उससे पहले उनको खत्म करना चाहिए था ये सारी प्रॉब्लम ही नहीं होती मुझे मिट्टी में मिलाएगा वहाँ वो कमीना अपने साथ 5 लोगों को रख के खुद को सत्या डॉन समझ रहा है और कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है भाई सत्या 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 ये दो कौड़ी का आदमी अब देखो इसके इतने पर निकल आए कि मेरे काम में टांग अड़ा रहा है भाई आपको याद है ना मैंने उसी दिन कहा था कि उस सत्या का मैटर बंद कर डालो उस दिन मेरी बात सुन ली होती तो इतना उड़ता नहीं सब्र रखो बेटा वो सत्या पहले वाला सत्या नहीं है अब उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है उसकी पावर बढ़ने की वजह वो 5 लड़के हैं सब्र करो उनको ठिकाने लगाने के लिए एक नया प्लान बना रहा हूँ एक बार ये 5 लड़के खत्म हो गए तो समझ लो वो सत्या भी खत्म हो जाएगा हेलो मास्टर जी मैं बोल रहा हूँ अच्छा उस जगह पे कब्जा करने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता हेलो पापा अपने साइट के पास बहुत लोग खड़े हैं वो देखिए हे कौन हो तुम लोग और मेरी जमीन पर क्या कर रहे हो बंद करवाओ ये काम ओए मिस्टर जगह नहीं देने के लिए बहुत मचमच कर रहा था ना तू अरे मैं क्या तेरी जान मांग रहा हूँ अरे ये खाली पड़ी हुई जगह ही तो मांग रहा था ना ये डॉक्यूमेंट पे साइन कर हे गुंडागिरी दिखा रहे हो तुम मुझे कौन आएगा सामने दिखाओ आकर पैसा जमा करके पसीने बहाकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमीन खरीदी है मैंने
और तुम यहाँ पर आकर मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हो? पेन पकड़ने वाले हाथों में लकड़ी, तुमको क्या लगा हम सब डर जाएंगे? किसी को मारने के लिए जिगरा चाहिए मिस्टर। घर में जाके गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा पढ़ो, समझे? मवाली कहीं के? मेरे से बात करने की तुझमें तमीज नहीं है? मेरी एरिया में आकर मेरी ही जगह पर हाथ डालेगा तू? ए, बंद कर ये सब। ए, हे, गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती हो रानी। ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया लगता है। सॉरी सॉरी सॉरी, भगवान ने नहीं, मास्टर जी ने। मास्टर जी अगर अगली बार इस एरिया में दिखेगा ना, काट डालूंगा तुझे। तूने बहुत बड़ी गलती की है, मुझ पे नजरें उठाने वालों को छोड़ता नहीं। तूने तो हाथ उठाया। चल निकाल, चल निकाल। सही वक्त पर आकर आपने हम सबको बचा लिया। आपका ये एहसान कैसी बात, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नमस्ते। नमस्ते। पियो पियो पियो, दिमाग शांत होने तक पियो। लड़कियां, दारू, अय्याशी और ये चेस, और क्या चाहिए तुम्हें? यही तुम्हारी दुनिया है। कोई तुम्हारे भाई को मारे काटे, तुम्हें क्या करना है? बस शांति में ही समाधान है। उस भगवत गीता में भी। तुम्हारा ये भाषण इन्हें दो, मुझे मत दो। ए, मेरी बात सुन, अपमान चाहे तेरा हो या मेरा हो, बात एक ही है। जो मेरे साथ हुआ है वो अगर तुम्हारे साथ हुआ होता तो ऐसे शांति से नहीं बैठे रहते तुम। मुझे भी तकलीफ होती है, एक नहीं दो नहीं, पूरे 20 सालों से मैं धंधा संभाल रहा हूँ और वो लोग इसे एक पल में खत्म कर देना चाहते हैं। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो देखना, हमारे एरिया में कुत्ता भी हमारी इज्जत नहीं करेगा।
और तू सातवीं फेल एक लड़की के लिए हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने चला है। जब वो लड़कों ने तुझे पीटा तो उस समय तूने क्या हाथ में चूड़ियां पहन रखी थी? देखो बार बार उसी मैटर पे बात मत क्या करो, अभी जाता हूँ और उसे उठाकर ले आता हूँ। हाँ, तू एक बोतल पिएगा और उसे उठा लाएगा। दारू तुम पीते हो या मैं पीता हूँ? देख मेरे भाई, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, तू बस अपने जज्बातों पर काबू रख, ध्यान से सुन। देख, हारने के बाद शांति का मंत्र जाप करने वाला आदमी नहीं हूं मैं, मौके पे चौका मारने वाला इंसान हूं, लेकिन तू अभी नहीं समझेगा। तू अभी जा, तू टेंशन मत ले, अरे मैं हूं ना, जा। देखो सेठ, पूनम अपार्टमेंट की डील के लिए ये वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं है, जैसे ही सही मौका मिलेगा मैं बता दूंगा। ठीक है भाई। उठिए ना जी, क्या हो गया आपको? पूनी जी, क्या हुआ अंकल? अचानक बोले कि चेस्ट पेन हो रहा है अंकल, और फिर बातें नहीं कर रहे, बेहोश हो गए। अच्छा पापा, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। देखिए, सेकंड टाइम पेजर हार्ट अटैक आया है। ही इज नो मोर, आई एम सॉरी। अपने आप को संभालिए आंटी, ये लीजिए, होटल वाले ने जो पैसे बचे थे वो भेजे हैं। घर का मालिक तो हमें छोड़कर चला गया, हम इन पैसों का हम क्या करें बेटा? रोनी जी, अगर अंकल होते और आपको इस हालत में देखते तो उन्हें अच्छा लगता? वो तो आपको हमेशा हमेशा हंसता खेलता और खुश देखना चाहते थे। संभालिए अपने आप को, और हाँ, कल सुबह रेडी रहना अंकल की समाधि के पास जाकर। आपके दिल में जो भी दुख है, दर्द है, मन की सारी बातें बताकर जितना जी चाहे रोइए, तभी आपका मन हल्का। हाँ बेटी पूर्णी, उसके बाद तुम्हारा दिल भी हल्का होगा, तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी बेटी, शांति मिलेगी। प्लीज अभी उठिए और सारे लोगों को संभालिए, कल से ना आपने खाना खाया है और ना ही बाकी के लोगों ने। प्लीज पूनी, प्लीज उठिए। पंकज, तुम कभी मेरा हाथ छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं पूर्णी, नहीं। बस करो, अब इसके आगे कभी मत रोना। ठीक है। गया? अरे मैंने उसे फोन किया था, ये ले आ गया। अरे यार, कहाँ रह गया था? बालू भाई तेरे को कब से पूछ रहे थे।
लालू भाई कैसे हो? मैं बस ठीक हूँ, ऊपर वाले का करम है मुझ पर, तू बता कैसा है? अरे मेरा क्या है भाई, तेरे दिल की पूरी खबर है मुझे। क्यों रे, आजकल तू फुल्ली लव में डूबा हुआ है भाई। अरे मस्ती कर तू, अब इस उम्र में तेरे जैसे लड़के प्यार नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? वो सब ठीक है भाई, बड़े भाई कैसे हैं? उनका क्या है, सब ठीक चल रहा है। अब जो भी टेंशन लेनी है हमको लेनी है। क्या बात कर रहे हो भाई? तूने जिस दिन उन लोगों को मारा था ना, उस दिन से वो तुम सबको मारना चाहता है। तुम लोगों को मारने के लिए उसके आदमी 24 घंटे घूम रहे हैं। देखो कल अमावस्या है, अच्छा मुहूर्त है, कल वो लोग देवी माँ के मंदिर में पूजा करने के लिए पूरी गैंग के साथ आने वाले हैं। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, छोड़ना नहीं किसी को, समझ गए ना भाई? समझ गया भाई, चलो। पंकज वो आ रहा है, ऐसा वार करना कि उसका एक आदमी भी ना बचे। बहुत अच्छा मौका मिला है तुझे आज, एक एक आदमी को चुन चुन के मार। गली के बच्चों की तरह रंग से होली खेलोगे तो ठीक है, वही खून से खेलोगे तो छोड़ दूंगा क्या? अंडरवर्ल्ड का मशहूर डॉन, सत्या का ब्रोकर, मेरा मतलब दलाल सर। तुम्हारा पेशा बता रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जितने ऑफिसर्स देखे होंगे ना, उससे ज्यादा क्रिमिनल्स के इनकाउंटर किया है मैंने। अपना प्लान बताओ। सर, हमारे घर की कुल देवी का मंदिर है ना, उनकी मंदिर में पूरी विधि विधान से पूजा करके बलि चढ़ाना चाहते थे, बस उसी बलि के लिए तलवार लाया था सर। सच कह रहा हूँ सर, मेरा और कोई गलत इरादा नहीं था सर, समझिए। हाँ सर, वही है सर, बलि। हाँ सर, बलि। किसकी बलि, कैसी बलि, सब अच्छे से जानता हूँ। बैड बॉयज, अगर मुझे आने में 10 मिनट की देर हो जाती ना, तो तुम उस छपरी की बलि उस मंदिर में चढ़ा चुके होते। सही कहा ना? जो पूछ रहा हूँ सच सच बताओ, प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दो वरना। सर क्या कर रहे हैं सर? उठो उठो सर। देखो तुम लोगों ने जो काम किया है उसके लिए अरेस्ट नहीं, सीधे इनकाउंटर करना चाहिए। लेकिन तुम लोगों का भी पूरा फ्यूचर बचा है, इसलिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है सर। दल्ले। हाँ सर। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो मैं नहीं, मेरी गन जवाब देगी। समझ गया ना? समझे या नहीं? समझ के बच्चे हैं सर। गेट लॉस्ट। ए चलो बे, मैंने बहुत से पुलिस वालों को देखा है, भिखारियों से भी पैसे मांगकर खाने वालों में से हैं ये लोग। मैम बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा। बाय 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 बाय। अरे अरे अरे, वो जा रही है, जा रही है, चल चलो चलो, जल्दी उसके पीछे। हां चल चल, ए चल देख क्या रहा है, चल ना। अरे चल यार, छोड़ ना ऑटो। अरे चल चल जल्दी यार, चल, छोड़ ना यार, कहीं भी जाए वो। हां यार, कितना हुआ? 120। ये लो। हे, वो अंदर जा रही है यार।
अब ये दवा खाकर आप जल्दी से सो जाइए, ठीक है? एक उट्टू, तुमने सुबह से खाना क्यों नहीं खाया? चलो अब जल्दी से मुंह खोलो। माँ। क्या हुआ? दादी, कुट्टू को खाना खिलाकर सुला दीजिए। ठीक है बेटा, अंदर आइए। तुम लोग हाईवे के ढाबे पर थे ना? यहाँ कैसे आना हुआ? कोई बात नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। अब आप यहाँ इस तरह, ये सब कौन है? मेरी फैमिली, मेरे माता पिता भाई बहन सब लोग, सभी रिश्तों को मैं इन्हीं लोगों में देखती हूँ। कितना अच्छा दिल है आपका, कितने सुंदर गुण हैं। आप वैसी जगहों पर जाकर क्यों डांस करती हैं? मुझे तो सिर्फ डांस करना ही आता है, उसी को अपना काम समझकर चार पैसे कमाकर इन लोगों को मैं पाल रही हूँ। सॉरी, इस वक्त हम यहाँ आकर आपको तकलीफ दे रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं। यानी कि आपके माता पिता या रिश्तेदार कोई भी नहीं है? किसी अनजान आदमी की गलती की वजह से मैं पैदा हुई। लड़की होने के कारण मुझे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और एक शराबी ने मुझे ले जाकर पाल पोसकर बड़ा किया, लेकिन वो पालने से ज्यादा मुझे मारता, बहुत तकलीफें देता। मुझे दूसरी जिंदगी देने वाला वो भी पी पी कर एक दिन मर गया। गली में पड़ी हुई उस अनाथ लाश के जैसे मैं भी अनाथ हो गई। उस छोटी सी उम्र में ही मुझ पर जिम्मेदारी आ गई। खेलने कूदने की उम्र में मैं घर घर जाकर काम करने लगी, गली गली में जाकर लोगों की गाड़ियां धोकर दो पैसे कमाने लगी, रात दिन काम करने लगी। इतनी परेशानियां झेलते हुए भी अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए अपने एम तक पहुंचने के लिए मैंने बीएससी की डिग्री हासिल कर ली। इतना ही नहीं, मुझे आईएएस ऑफिसर बनने की इच्छा थी। पता नहीं पर कैसे मुझसे प्यार करने की गलती हो गई। मुझे प्यार हो गया, लेकिन उसने मुझसे प्यार का नाटक करके मुझे मुंबई के रेड लाइट एरिया में भेज दिया। वहां से एनजीओ की मदद से मैं भाग आई और दोबारा काम ढूंढने लगी, मगर कोई मुझे समझ नहीं पाया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन कब तक खुद को लोगों की नजरों से बचाती? अब क्या बताऊं, एक बार जो धब्बा लगना था वो मुझ पर लग चुका। अब कोई क्या कर सकता है? वैसे तुम लोगों की क्या कहानी है? बताने के लिए, हम किसी राजवंश के नहीं हैं और ना ही हमारा कोई इतिहास है। हम लोग भी एक तरह से अनाथ ही हैं। मेरी जिंदगी भी ऐसी है। लेकिन तुम लोग खुद को अनाथ हो ये सोचकर अपनी जिंदगी ऐसे क्यों बिता रहे हो? जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उन्हें गालियां देकर, खुद को अनाथ कहकर, खुद को अकेला कहकर, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, इन सब बातों का बहाना बनाकर तुम ऐसी बेकार जिंदगी जीना चाहते हो? देखो, आगे से कोई भी किसी भी वजह से ये गुंडागिरी अंडरवर्ल्ड की जिंदगी नहीं बसर करेगा। तुम लोग इतनी जल्दी मेरी बात मानोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने अपना दर्द तुम्हारे साथ और तुम सबने अपना दर्द मेरे साथ शेयर किया, इससे मुझे बहुत खुशी मिली। मेरी इस छोटी सी फैमिली में अब तुम लोग भी शामिल हो गए हो, मैं सच में बहुत खुश हूँ। कल शुक्रवार है, हम सब लोग माँ के मंदिर में जाएंगे। नहीं
भावना फूड कॉर्नर। ए सुनो, गरम गरम क्या है? गरम क्या है बे? फुल चिकन तंदूरी है क्या? बोलना गरम क्या है? अरे जल्दी बोल। देखो भाई, जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातें दिल में रखकर हमारे साथ लड़ने के लिए मत आना, वरना ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। पहले ही बोल रहा हूँ, जाइए यहाँ से। नहीं तो क्या करेगा बे? पंकज देखिए, पंकज पुलिस। नमस्ते नमस्ते सर। हाँ सर। क्यों रे, नया बिजनेस शुरू किया है? जी हाँ सर। होटल के बहाने कोई नया धंधा तो शुरू नहीं किया ना? नहीं है सर। और वो लड़कियाँ कौन है? ए जाओ उन लड़कियों को लेकर आओ। ठीक है सर। उस छपरी के साथ किरकिरी कर रहा था या कॉम्प्रोमाइज कर रहा था? ऐसा कुछ नहीं है सर, बस यूं ही बातें कर रहा था। कौन हो तुम और इस समय यहाँ क्या कर रही हो? ये होटल हम सबका है सर। हाँ सर, ये सब हमारे फ्रेंड्स हैं। हाँ सर, वो सब नहीं चलेगा, लड़कियों को इस वक्त यहाँ नहीं रहना होगा। ठीक है सर। पुराने रास्ते पर फिर से गए ना तो समझ लो। नहीं सर। ए गाड़ी बढ़ा। ए क्या रे, मेरे बारे में क्या बता रहा था पुलिस वाले को? हाँ बोल, क्या बोल रहा था? अगर एक बार और बात किया ना तो मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता। ए, ए, पुलिस फिर से आ गई। ए पुलिस, बोल कर गया था ना, फिर से लफड़ा कर रहा है क्या? ए सबको अंदर डालकर धो दूंगा। सर वो खाना पार्सल ले रहा है। जी, जी, अब इसलिए हाँ, पार्सल दे रहा है जी सर। और जी, थोड़ी देर यहाँ दिखे ना तो तुम सबको यहाँ से पार्सल कर दूंगा। निकलो यहाँ से। चलो रे, कहा जाएगा आज नकल मिल ही जाएगा। जो लोग कल तक तेरी बातों को वेद वाक्य समझते थे, आज वही लोग तेरी बात सुन नहीं रहे। मैंने फोन किया तो मेरे फोन को रिसीव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है बालू? जो हाथ हथियार पकड़ते थे आज फुटपाथ पर जूठा बर्तन धो रहे हैं, इसकी वजह कौन है मुझे ये जानना है। क्यों मुझे वो लोग इस तरह से छोड़कर चले गए? इसके पीछे किसका हाथ है बालू? किसी का भी हाथ नहीं है बालू भाई, हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, ये हमारा खुद का फैसला है। हाँ क्यों जिंदगी बदलना चाहते हैं वो लोग? क्या हुआ है उनके साथ? पैसे की प्रॉब्लम है कोई? किस चीज की कमी है इन्हें मेरे साथ? जब भी मांगते थे लाख लाख रुपए देता था, मैंने अपना काम फोकट में करवाया इनसे। इसीलिए तो भाई हमने इतने दिनों तक साथ दिया, उसी की वजह से आपने करोड़ रुपए कमाए और बाजार में इतना नाम भी कमाया। उन्होंने बाजार में कुछ नहीं कमाया क्या बताओ? मेरा नाम लेकर उन्होंने अपना नाम कमाया, पैसे भी कमाए। देखो बालू, अगर उन्हें पैसे चाहिए तो मेरे सामने आने के लिए बोलो, लाख लाख रुपए ऐसे फेंक दूंगा, लेकिन पहले की तरह उन्हें मेरे लिए काम करना होगा। देखो बालू भाई, ये सब सिर्फ पैसे का सवाल या इज्जत का सवाल नहीं है, हम सबकी जिंदगी का सवाल है। ए, एक लड़की वैश्या बन सकती है लेकिन वैश्या सती सावित्री नहीं बन सकती, ऐसी ही अपनी फील्ड है। तलवार हाथ में लेने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। एक बार जो इस धंधे में आ गया वो इस धंधे से बाहर नहीं निकल सकता, वापस जाने की इजाजत नहीं देती ये फील्ड। देखो बालू भाई, हम लोग अंडरवर्ल्ड की दुनिया से थक चुके हैं, हमें शांति चाहिए, चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं, और कुछ नहीं। क्यों, वो बदलेंगे नहीं क्या? नहीं भाई, हम नहीं बदल सकते और हम किसी की बात नहीं सुनने वाले। अब से हमने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी है और इसमें हमें सुख शांति और आराम सब मिल रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम उस लाइन पर नहीं जाना चाहते। नहीं जाएंगे। तो आखिर उन सब ने मिलकर मेरी पीठ में छुरा भोंक ही दिया। सत्या, अभी इन लोगों के दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला है। सत्या, तुम कब से पूछ रहे हो ना इन सब के पीछे कौन है, कौन है, कौन है? कौन है वो बता। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भावना है इसके पीछे। भावना है? जो लड़की कल मेरे जूठे प्लेट को धोकर खाती थी, उसने मेरे लड़कों को मुझसे दूर कर दिया है। भावना ने उनका दिमाग खराब कर दिया है, होटल खोल के उनका फुटपाथ पर बिजनेस शुरू कर दिया है। मैंने उनको कितना समझाया लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। अपने दुश्मनों के लिए हमने अपने ही हाथों से बीज बोया है। सत्या सुन बालू, तुम परेशान मत हो, मुझे खुद उतरना होगा। इनके साथ क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठने वाला। उन लोगों का क्या हाल करता हूं देख लेना, हाथ पैर काट दूंगा उनके। सब्र करो बेटा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है।
उन लोगों को तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बस तू अपने दिमाग पर काबू रख, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। उस सत्या को तो मैं मच्छर की तरह मसल कर रख दूंगा। तुमने बोल दिया ना, अब देखता हूँ। पंकज बार बार गिनेगा तो पैसे डबल नहीं हो जाएंगे यार। जिंदगी में पहली बार मेहनत की कमाई आई है, इसलिए गिनते गिनते इसका मजा ले रहा हूँ। सही कहा पंकज, मुझे अभी समझ में आ रहा है, मेहनत से कमाए पैसे को फिजूल में खर्च करने की हिम्मत नहीं होती। अरे यार, हम लोग कैसे थे और कैसे बन गए हैं। हाँ यार, हम लोगों ने किसी जन्म में पुण्य किया होगा जो भावना दीदी की जैसी बहन हमें मिली है, जो एक दोस्त की तरह हमें समझती है और माँ के जैसे हमें प्यार करती है यार। अरे यार, कल गुरुवार है ना, और कल 9 तारीख है, तो कल भावना दीदी का जन्मदिन है। हाँ यार, बर्थडे है ना, तो हम जम के जश्न मनाएंगे। करेक्ट। ए पांडे, भावना दीदी को जिंदगी भर याद रहे ऐसा गिफ्ट देंगे जो वो कभी भूल नहीं पाएगी। चलो चल। गोली पेट में मारी गई। बेंगलुरु शहर एक और मौत का गवाह बन गया है। दिन दहाड़े अकेले रहने वाली एक औरत की किसी ने हत्या कर दी। चलिए जानते हैं कि इस हत्या के बारे में पुलिस का क्या कहना है। सर, ये बताइए, ये हत्या किसने की होगी, आप कुछ जानते हैं? इस घटना की हमें अभी अभी जानकारी मिली है, डिपार्टमेंट इसकी छानबीन कर रही है, बहुत जल्दी हम क्रिमिनल को पकड़ेंगे। ये हमारी दीदी है सर, प्लीज सर, हमें जाने दीजिए। सर, ये हमारी दीदी से भी ज्यादा थी हमारे लिए। एक्सक्यूज मी सर, सब बॉडी को सर्च करते समय ये डायरी मिली है, डायरी भावना की है सर। लगता है वो भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसने मेहनत से कमाए हुए पैसों में से 50% तुम्हारे नाम कर दिए हैं और बाकी 50% आश्रम के नाम कर दिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम करा के इनके हवाले कर दो। ठीक है सर, चलो। देखा बालू, जो लड़के कल तक शेर की तरह गरजते फिरते थे, आज किस तरह यहां मुंह लटकाकर खड़े हैं मेरे सामने, देख लो। पश्चाताप कर रहा है सत्या, जाने दो, आखिर हमारे टुकड़ों में पलने वाला कुत्ता है ये। चलो, इनकी समझ में आ गया और ये वापस मेरे पास आ ही गए। अब से तुम लोग सड़क के खुले सांड नहीं हो, दुश्मनों का नाश करने वाले चीता हो। आ जा इधर।
इधर इधर मत आना, मार इसे पंकज, इधर कोई नहीं आएगा, बोल देता हूँ, मार पंकज, मार तेरी तो मुझे मत मार, मुझे माफ कर, मैं तुम्हारे पांव जोड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मैं। मेरे साथ कोई नहीं आएगा सामने, कोई नहीं, तुम लोग मुझसे दूर रहो, कह रहा हूँ, देखो जब हमने सारे केसेस को क्रॉस चेक किया तो सारे क्लूज सत्या और छपरी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं सर, और उनके साथ कुछ और लड़कों के शामिल होने का भी हमें अंदेशा है सर। कुछ लड़के तो कम उम्र में ही गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं सर, हमारा युद्ध गलत दिशा में जा रहा है सर। यस मिस्टर प्रताप, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, चाहे जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो उसे ऑन द स्पॉट ही गोली मार दो, हमें कानून के हिसाब से उनका खात्मा करना होगा। अरे भाई का फोन आ रहा है यार। ए पंकज, पुलिस ने पूरे सिटी को राउंड अप किया हुआ है, और छपरी का आदमी मेरे होटल में आके मुझे धमकी दे कर गया है, अगर तू उनके हाथ में लग गया ना तो वो तुझे छोड़ने वाले नहीं है, तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक डालेंगे वो, होशियार रहना भाई। हमारी बात छोड़ो, क्या यार पूर्णी कैसी है भाई? हाँ देता हूँ, ले लो। पंकज क्या है ये सब? तुम जानती हो पूर्णी, भावना दीदी को वो बालू और सत्या ने मिलकर मारा है। पंकज उसके लिए पुलिस है, कानून है, कोर्ट है, तुम कौन होते उसे सजा देने वाले? लाओ इधर दो। हेलो, हे पंकज, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम सब जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। ऐसा नहीं है भाई। मेरी बात मानो, पुलिस के सामने सरेंडर कर दो, तुम्हारे बेल के लिए मैं ट्राई करूंगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, पूर्णी का ध्यान रखना है भाई। मैं पूर्णी का ख्याल अपनी बेटी से ज्यादा रखूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई। अंकल मेरे पापा के पहचान के राम प्रसाद नाम के एक फेमस लॉयर हैं, बेल के लिए उनसे हेल्प ले सकती हूँ, मैं अभी जाकर उनसे मिलकर आती हूँ। तुम वहाँ अकेले मत जाओ, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। हमारी जिंदगी कहाँ जा रही थी, कहाँ आ गई यार? हमें जिंदगी में सही रास्ता दिखाने वाली भावना दीदी उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बहुत गलत हुआ यार, बहुत भूख लगी है यार, ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा है। यहाँ हाईवे के पास एक ढाबा है यार, कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, पैसे है तो देना। अरे सुन, एक दो प्लेट एक्स्ट्रा लेकर आ जाना। हाँ ठीक है, मैं जल्दी लेके आता हूँ। ए टकले, मैं भी चलता हूँ, एक सुट्टा मार के आएंगे। ठीक है चल। ए सुन सुन सुन, जानते हो ना वो छपरी पहले से ही हमें मारने की कोशिश में लगा हुआ है, तुम लोग सावधानी से जाना और ठीक से आना। वो हमारा कुछ नहीं कर सकता उसके छोड़ो, लेकिन पूरे शहर की पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, संभल के रहना। ठीक है ठीक है ठीक है, हम जल्दी आ जाएंगे। और हाँ, मतलब जाते जाते ₹50 का रिचार्ज करवा देना। ठीक है ठीक है। पापा, मां,
माँ, पापा। ए पंकज, कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। माँ कैसी है पापा? वो आज सुबह से बहुत कमजोर हो गई है बेटा। सुबह डॉक्टर के पास ले गया था, कुछ दवाई दी है, एक दो टेस्ट भी लिखा है। आप चिंता मत कीजिए पापा। बेटा तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है। ठीक है पापा। खुश रहो बेटा। पंकज, 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 क्या हुआ? पंकज, क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ? बोलेगा तो? क्या हुआ? अरे बोल ना, क्या हुआ? बोल तो सही। बता ना यार क्या हुआ? क्या हुआ उसे? अरे जरा जल्दी चलाओ भाई। ए रुको रुको रुको, ए मंकरी रुको। अरे भाई रुको रुको। क्या हुआ? क्यों गाड़ी रोकी? ऐसा क्यों किया? जरूरी था क्या? पंकज कहाँ है? वो हनुमान मंदिर के पास एकदम सेफ है। देखो जो हुआ सो हो गया। पूर्णी की पहचान वाला एक लॉयर है, हम बेल के लिए उससे बात करने वाले हैं। तब तक तुम लोग होशियार रहना। अरे, अरे, क्या कर रहा है पूर्णी? छोड़ो उसे, क्या कर रहा हो? मुझे चप्पल से मारा था ना? छोड़ दो उसे, उसे कुछ मत करना। चल। हे रुक। चल अंदर। चल अंदर, चल। पूर्णी, चप्पल तेरे को भी डाल दूंगा। पूर्णी, ये क्या हुआ? हाँ बोलो दस्ती। यार तुम्हें खत्म करने के लिए वो लोग सारे शहर में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इतना ही नहीं पंकज, वो छपरी और उसके आदमी एक घंटे के अंदर डील करने के लिए शरीफ से मिलने के लिए उस तरफ ही आ रहे हैं। ये मौका हाथ से मत जाने देना। थैंक्स दोस्त। भाई उस मियां छपरी की मौत का मुहूर्त फिक्स हो गया है। चलो चलो चलो। माल बराबर है। डन। हेलो। हे, जो भी है बच के जाना नहीं चाहिए। ढूंढो उसे, हाँ जो बच के नहीं जाना चाहिए। देखो Hey!
छोड़ मेरे भाई को। तेरे पापा फोन कर रहे हैं यार। बेटा कहाँ है तू? पापा आप कहाँ हैं? घर पे हूँ बेटा। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। क्या हुआ है पापा? ऐसा लगता है जैसे भगवान इस घर पर नाराज हो गया है बेटा। कल यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला है बेटा, कार्तिक पूर्णिमा का, लेकिन मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता बेटा। तुम अगर आ जाते तो। बेटा सुन रहा है ना मेरी बात? मैं सुन रहा हूँ पापा, बोलिए ना। मैं चाहता हूँ कि मंदिर में जाके तू माँ के नाम से प्रसाद चढ़ा दे बेटा। सुना है कि वहाँ की मन्नत बहुत जल्दी पूरी होती है बेटा। हाँ ठीक है पापा, ठीक है। वहाँ का बहू तेरी माँ को लगाऊंगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी बेटा, जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ मैं अभी जा रहा हूँ पापा, अब माँ का ख्याल रखना। ठीक है बेटा। क्या हुआ यार? महिलार की तरफ चलते हैं, हम वहाँ पर सेफ रह सकते हैं। हाँ चल चल चल। ए थोड़ा ठीक से रहना, आ रहा है वो मेरा बेटा। मंदिर जाकर भगवान की विभूति लेकर आएगा वो, उसे लगाकर ठीक हो जाओगी तुम, एकदम ठीक हो जाओगी। ए, फोन उठाओ। सर। फोन को आंसर कर। सर। हेलो। ए गोरिल्ला, कहाँ हो तुम लोग? तुम लोग सेफ तो हो ना? हाँ यार सेफ है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम गांव जा रहे हैं। महिला लिंग का दर्शन करके हम तुरंत लौट आएंगे। संभल कर रहना, संभल कर रहना। हाँ गोरिल्ला, कुछ दिन किसी की नजर में मत आना, सावधानी से रहना। ठीक है यार, संभल कर यार। हाँ फोन इधर दे। सर, सर, सर। वो लोग सीधे महिलार लिंग दर्शन के लिए जा रहे हैं ना, मैं तुझे सीधे भगवान के पास भेज देता हूँ। माफ कर दो सर। पंकज बाइक को फुल टैंक कर दिया है, संभाल के जाना। ठीक है, तू ठीक से रहना। थोड़ा संभाल के। हाँ ठीक है, तुम भी संभाल के रहना।
है उसे। देखिए आपका केस अब हमारे हाथों से निकल चुका है, हम कितनी भी कोशिश कर लें उनको बचाना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब, उसे बचा लीजिए, हाथ जोड़ रहा हूँ। आपकी बीवी को लुकेमिया हुआ है। ये क्या होता है? ब्लड कैंसर। उनके पास बहुत कम समय बचा है, अपने रिश्तेदारों संबंधी को बुलाना चाहते हैं तो बुला लीजिए। सर 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 सर, हे भगवान, हम गरीब का साथ क्यों छोड़ दिया? हे भगवान। हेलो चार्ली ओवर। सर आपने जो नंबर दिया था उसे हम टैप कर रहे हैं, उसका सिग्नल बेंगलुरु की तरफ दिख रहा है। टैपिंग को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो। यस सर। पंकज, पंकज आ गया क्या? आ रहा है बेटा। पंकज, पंकज, तुम सोचो मत। आएगा वो, तुम चिंता मत करो। पंकज, पंकज। फोन कर रहा हूँ उसको मैं। किसी काम में फंसा होगा, फोन नहीं उठा रहा है। उठा तो ले। हाँ, अरे अरे यार मेरा, ओहो ये पंकज मेरा मोबाइल खो गया यार। क्या यार? घंटी जा रही है, घंटी जा रही है। सुनो पंकज, पापा का फोन है। क्या हुआ पूछ, बोलिए पापा। भगवान के मंदिर में पूजा करवा दिया ना? हाँ पापा, करवाई मैंने। तो तुम्हें गांव जाने की जरूरत नहीं है अब। क्यों? बेंगलोर आ जाओ बेटा, यही तुम्हारी माँ को एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। कौन से दवा खाने में पापा? बेंगलोर आकर फोन करना बेटा। ठीक है पापा, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ। क्या हुआ यार? पापा कह रहे हैं मेरी माँ को दवा खाने में भर्ती करवाया है। पंकज बंगलुरु आ गया यार, चल उतरते हैं। सर 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 नहीं सर, सर हम लोग सर। मैंने अपनी सर्विस में बहुत सारे क्रिमिनल्स का इनकाउंटर किया है, मगर आज तक मैं कभी थका नहीं, लेकिन तुम जैसे टट पूंजियों की वजह से आज पहली बार परेशान हो गया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोगों की वजह से महिलार लिंगा के भी दर्शन हो गए। मैंने तुम लोगों को उसी मेले में खत्म कर दिया होता, मगर वहाँ लोगों का प्यार, भगवान पर रखने वाली भक्ति, उस भगवान के निष्ठा के सामने मेरा दम, ताकत, कानून सब के सब मिट्टी में मिल गए। वेरी बैड बॉयज, बट क्या करें, ड्यूटी है तो निभानी तो पड़ेगी। सर सर मुझे छोड़ दीजिए सर, सर छोड़ दीजिए सर, सर अब ऐसा कभी नहीं होगा सर, सर हम अपने गांव में कोई छोटा सा काम करके चलेंगे सर, हमें छोड़ दीजिए। अब तुम लोगों को पछतावा हो रहा है क्यों? मौत क्या है, मौत का डर क्या होता है, ये अब तुम समझोगे। अब कभी ऐसा नहीं होगा सर। नो सेंटीमेंट्स, देखो इस गन में सिर्फ एक बुलेट है और तुम लोग दो हो, तुम में से कौन जिएगा और कौन मरेगा ये तुम लोग खुद डिसाइड कर लो। बात समझ में नहीं आई क्या? तुम दोनों में से जो जीना चाहता है वो इस गन को पकड़ ले। पांडे, ये तूने क्या किया पांडे?
क्या त्याग है? तुम दोनों को देखकर दोस्ती क्या होती है ये सीखना चाहिए। शाबाश। सर, ये क्या सर, आप डबल गेम खेल रहे हैं सर। ए, फोन उठा। फोन उठा और बात कर। मेरे पापा है सर। बात कर। बोलो पापा। क्या बोलूं? क्या बोलूं? कहाँ है तू अभी तक? अभी तक पहुंचा नहीं यहाँ पर। अच्छा जाने दे। बेटा, तेरी माँ की आखिरी सांसें चल रही हैं बेटा। माँ को क्या हुआ है पापा? वो बस यही बोल रही है कि बेटे को देखना है, बेटे को देखना है। बेटा, जल्दी से आ जाओ। ठीक है पापा। कौन से दवाखाने में है पापा? उस्मानिया सरकारी दवाखाने में। मैं बेटा बस आ रहा हूँ पापा। फोन मुझे दे। सर। दे। पांडे, सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे बस एक बार देखने के लिए मौत से लड़ रही है सर। सर आप मुझे अपना छोटा भाई समझकर एक मौका दीजिए, मैं उसे देखकर आ जाऊंगा सर। प्लीज सर। सर ओके, लेकिन तेरे लिए नहीं, तेरे जैसे पापी को जन्म देने वाली उस माँ के लिए मौका देता हूँ जो तेरा चेहरा आखिरी बार देखना चाहती है, लेकिन एक कंडीशन पर। तेरे पास 2 घंटे का समय है, उसके बाद तू खुद आकर मेरे पास सरेंडर करेगा। ठीक है सर। जाओ, लेकिन एक मिनट। हाँ सर। अगर तूने मेरे साथ कोई डबल गेम खेलने की कोशिश की तो मेरे बारे में जानता है ना तू? नहीं सर, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जा। ए बसंती, सुन रही हो? सुनो सुनो सुनो, तो पंकज से बात हो गई है, वो बस आ ही रहा है यहाँ पर। तेरा बेटा यहाँ आकर तुझे ठीक करके यहाँ से लेकर जाएगा। अरे अब तो खुश हो जा, हमारा बेटा हमें दुखी नहीं देख सकता। खुश हो जा। ए, ए, अब तो खुश हो जा। ए, हंसते ना, अब हंसते हंसते, एक बार हंसते हंसते। आराम करो, आराम करो। बसंती, पंकज आ रहा है ना? आ रहा है, जा रहा है ना? बाहर आ रहा है, आ रहा है वो। मेरी बात हुई, आ रहा है। तुम आराम करो, मेरे पंकज, तुम आराम करो, आ रहा है वो। आएगा, पागल हो गई है तू? अरे कहाँ जाएगा वो? आएगा, जरूर आएगा वो, तू चिंता मत कर। क्यों तकलीफ उठा रही है? आराम कर, आराम कर। ए, ए वासंती, वासंती, ए, 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 ए वासंती, ए, ए वासंती, ए, 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 डॉक्टर, ए वासंती, ए, बसंती बात करो, बात करो बसंती। बेटा बेटा बेटा, बोलते ही चली गई इस दुनिया से बसंती। देखे ना क्या हो गया हमारी बसंती को, क्या हो गया? मुझे छोड़कर चली गई, कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? ए पंकज, तेरी माँ चली गई रे,
हम सबको छोड़कर चली गई, अनाथ बनाकर चली गई है। अभी तक अपनी माँ का चेहरा देखने नहीं आया। बहुत गलत किया तूने, बहुत गलत किया। अरे आखिरी दर्शन तो कर लेता। कोई बात नहीं, मैं यही तेरी माँ के पास हूँ, तुझे जो करना है कर। क्यों भाई, अभी तक आप बॉडी को लेकर नहीं गए, क्या हुआ? हमें कुछ नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। ज्यादा देर यहाँ पर रखना ठीक नहीं है। अपने बेटे का इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। सुनो, आप ये कुछ पैसे रख लो, इनके अंतिम संस्कार में देर हो ऐसा मैं नहीं चाहता। बॉडी को लेकर जाइए। हिम्मत रखो भाई, अपने हाथ में क्या है, ये सब तो भगवान का खेल है मेरे भाई। रहने दीजिए, आप जाइए जाइए, नमस्ते। हाँ सुनिए भाई साहब। हाँ बोलिए। 5 बज रहे हैं, कल इनकी मौत हुई थी। 6 बजे के बाद यहाँ जलाया नहीं जा सकता, इसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। यहाँ हमेशा डेड बॉडीज आती रहती हैं, अब दूसरों को भी तो मौका देना होगा ना भाई साहब। मरने से पहले अपने बेटे को देखने के लिए जान मुट्ठी में ली हुई थी, लेकिन वैसे ही चली गई, वो नहीं देख पाई बेटे को। आखिरी बार उसे आकर इसका चेहरा तो देख लेने दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। सुबह से आपका बेटा नहीं आया तो अब वो कहां से आएगा? ऐसा मत कहिए, आखिरी दर्शन भी ना कर पाए, ऐसा बदनसीब मत बनाइए मेरे बेटे को। वो जरूर आएगा, जरूर आएगा वो। ठीक है ठीक है, अब भगवान मारता है तो इंतजार करने की शक्ति भी देता है। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ डेड बॉडीज आती ही रहती हैं। अब जरा देखिए इसे, इस बेचारे की उम्र ही क्या है, पता नहीं किसका बेटा है। एक चिट्ठी है इसके साथ, पुलिस आने तक इंतजार करना होगा। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे काका, आज शहर में 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ है, पर अब तक यहाँ एक ही लाश आई है और दूसरे को हरिश्चंद्र घाट ले गए हैं। बेचारे दोनों ही अनाथ लगते हैं। ये देखो, इस अखबार में उन दोनों गुंडों की फोटो भी छपी है। ए, रुको, रुको, ए, पंकज, रुक जाओ। किस किस की मौत कैसे कैसे लिखी है ये कोई नहीं जानता बड़े साहब। हाँ सुनिए, आप ही को बुला रहा हूँ। आ जाइए आ जाइए। ये रखो, ये अनाथ लाश है, आग लगाने वाला कोई भी नहीं है आगे पीछे। ये लीजिए, आप ही हाथ लगा दीजिए, आपकी वजह से इसको मुक्ति मिल सकती है। तब तक आपका बेटा भी आ जाएगा, फिर आपका भी काम निपटा देंगे। सभी भगवान के बच्चे हैं, आइए आइए, आना जाना सब उसकी मर्जी से होता है। बासंती, आएगा तेरा बेटा, तेरा बेटा जरूर आएगा बासंती।